बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स, सो ये दोनों इकट्ठे पढ़ने का मकसद इसलिए था कि ये ज़्यादातर नोमिनेट होते हैं प्लांट सेल्स के लिए। ठीक है, दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ठीक, वैक्यूल्स की कुछ किस्में जो सी हैं वो एनिमल्स में भी पाई जाती है, हम आगे जाके बात करेंगे, जबकि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। ठीक है, नहीं, वैक्यूल्स की कुछ टाइप्स एनिमल्स में भी होती हैं, दे आर सर्टनली प्रेजेंट एनिमल सेल्स, लेकिन ज्यादातर जो से वैक्यूल्स और प्लांट सेल्स में होते हैं। सो मसन कौन कौन से वैक्यूल जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मसन एक लाइसोसोमल वैक्यूल्स था, ठीक है, ग्लाइसोसोमल वैक्यूल्स था, तो ये वैक्यूल्स ही होते हैं जो कि वेसिकल्स टाइप के होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे थोड़े से और स्पेशलाइज किस्म के वैक्यूल्स हैं, मसलन फूड वैक्यूल्स हैं के जिसके अंदर खुराक होती है ऐसे, और एक सेंट्रल प्लांट वैक्यूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है प्लांट वैक्यूल के बारे में। सो वैक्यूल पढ़ने से, प्लांट वैक्यूल पढ़ने से पहले एक छोटा सा आपको इशारा देंगे, मसलन जो प्लांट बॉडी है, ठीक है, प्लांट बॉडी के अंदर हड्डियां नहीं होती हैं, सही, यानी वो पौधा जो खड़ा होता है जिसकी मतलब ब्रांचेज एंड सो ऑन, सो दे डोंट हैव स्केलेटन, उनके अंदर स्केलेटन या हड्डियां नहीं होती, तो वो फिर किस तरह खड़ा रहता है, यानी क्या वजह होती है कि उसके पौधे या सॉरी उसके जो पत्ते होते हैं वो इसी तरह के साथ लटके रहते हैं। सो उसके अंदर काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से खड़ा रहता है। एक तो सबसे पहले ये कि इसकी ये वुड से बना होता है, लकड़ी से, ठीक, लेकिन एक और जो चीज़ जो इनके सेल्स के अंदर खास तौर पर चीज़ पाई जाती है जिसे हम टर्गर कहते हैं, ठीक है, ये 9th में शायद आपने पढ़ा हो टर्गर, क्या होता है टर्गर वाला, व्हाट इज टर्गर। सो टर्गर एक्चुअली ये एक पुशिंग सी कंडीशन होती है जो कि वैक्यूल एग्जर्ट करता है, ठीक है, इट इज पुशिंग, सॉरी पुशिंग ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल, कि यानी पुशिंग कंडीशन जो सी वैक्यूल्स की होती है जिस पर प्लांट सेल पे पुश करता है और फिर उसके से वो सही स्ट्रेच हो जाता है प्लांट सेल, फिर क्या हो जाता है स्ट्रेच हो जाता है, यानी वो एक शेप में आ जाते हैं इस तरह। सो उनके अंदर एक कहने के तनाव सा आ जाता है, ठीक है, ये तनाव इन्हें खड़ा रखने में मदद करता है, यानी ये सॉरी ये प्लांट सेल्स हैं, इसके सेंटर में ये अब देखिए सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल इनके सारों सेल्स के दरमियान मौजूद है। ठीक, तो ये वैक्यूल इसके अंदर पानी भरता है, यानी जिसे हम कहेंगे अगर साल्ट्स वगैरह होते हैं तो इसकी वजह से स्ट्रेचिंग होती है। अब हम आते हैं नहीं वैक्यूल क्या होता है, सो हेयर प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स आप देख सकते हैं इसमें अगर हम लेबल करें, ये प्राइमरी सेल वॉल से, ये सेकेंडरी सेल वॉल है जो इसके अंदर की तरफ है, सही, और ये सेल मेम्ब्रेन है जो शीट से आपको नजर आ रही है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो बीच में बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दिस इज वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल, यानी ये सेंटर में होता है बड़ा सारा प्लांट वैक्यूल होता है, सही, और ये न्यूक्लियस आ जाएगा, सही, ये बीच में गोजी बॉडीज, ये सारे स्ट्रक्चर अब हम तकरीबन पढ़ चुके हैं, और बीच में ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER है, और ये फिर SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सही, और ये आपको क्या ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है बोला क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये बीच में जिसके अंदर आपको यानी फोल्डिंग नजर आ रही है माइटोकॉन्ड्रिया, ये पिछला टॉपिक था हमारा कि किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल बनता है, सही, सो ये भी आपको ग्रीन ग्रीन शेप में नजर आ रहे हैं, ये भी क्लोरोप्लास्ट है और ये बीच में वैक्यूल है। सो हमारा यहाँ पे जो कंसर्न टॉपिक है डेट इज वैक्यूल, तो ये सेंटर में मौजूद होता है, ठीक, और इसकी जो बाहर मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है इसे क्या कहलाएंगे आप टोनोप्लास्ट, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसके अंदर ये इसकी जो मेम्ब्रेन उसे हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। तो अगेन इसके अंदर अगर आप देखें तो क्या क्या मौजूद है, इसमें वाटर मौजूद है H2O, चले मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँ, लाइक वाटर मौजूद है, सॉल्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह, वेस्ट मटेरियल हो सकता है इसके अंदर, ठीक, सो वेस्ट प्लस वाटर प्लस साल्ट, तो इस तरह की चीज़ें, आयंस हो सकते हैं बीच में, सही, आयंस इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। सो यानी जो वैक्यूल है इसके अंदर मोस्टली तो वाटर होता है, अप टू 99% जो है वाटर होगा, सही, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर वेस्ट मटेरियल जमा हो सकता है, सही, साल्ट हो सकते हैं,
सो ये वैक्यूल है जिसके अंदर क्या होता है कि सेल से बाहर से वाटर फिल आउट होता है और इस वजह से ये प्रेशर एग्जर्ट करता है अपने सराउंडिंग में, ठीक है। इस प्रेशर को हमने क्या कहा था अभी, दिस प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर, यानी जब प्लांट का वैक्यूल फिल आउट होता है और उसके बाद वो अपने सराउंडिंग के अंदर एक पुशिंग सी कह लें कि कंडीशन क्रिएट करता है, उसे हम टर्गर कहते हैं, सही। और ये टर्गर कह लें कि एक किस्म का स्केलेटन का रोल प्ले करते हैं प्लांट सेल्स के लिए, कि जो सेल्स एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं प्लांट सेल, तो उसकी एक वजह टर्गर भी है, सही। सो यानी क्या होता है कि वैक्यूल्स पहले तो एक्सपेंड होगा, ठीक है, यानी टर्गर किस तरह होगा। सो चलो इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मसलन ये आपको नजर आ रहा है। सो यहाँ पे ये जो वैक्यूल है ये क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है बीच में सेल्स के अंदर, एक्सपेंशन हुआ है। और इसकी एक्सपेंशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वाटर एंटर हुआ है, ठीक है, सेल ने वाटर इनटेक की है, वाटर इनटेक ऑफ कैप्सूल, सॉरी कैप्सूल क्या गया, वैक्यूल, सही, वाटर इनटेक ऑफ वैक्यूल। उसके बाद ये एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंड होने के बाद देखें तो अगर आप सेल साइज कितना बढ़ चुका है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये पत्ते मुरझाए हुए थे, आप मतलब ये बड़ा जनरल सा एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हैं, अगर आपके घर में पौधे हैं आप उन्हें यानी आधा दिन पानी ना दें या एक दिन पानी ना दें तो वो बहुत मुरझा जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ लटक जाएंगे। आप उसमें पानी डालेंगे खुद ब खुद उनके अंदर क्या लें कि एक जान सी आएगी, ठीक है। वजह क्या होती है कि बीच में जो वैक्यूल होता है वो वाटर इनटेक करता है, ठीक है, अपने अंदर समो लेता है या जमा कर लेता है, इसकी वजह से वो एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे देखें सेल साइज बड़ा हो चुका है इसके मुकाबले में, यहाँ पे सेल साइज छोटा था, सो इट एक्सपेंडेड टू इंक्रीज सेल साइज। सेल साइज जब इंक्रीज करेगा तो ये एक किस्म का प्रेशर होता है जिसकी वजह से जो सेल बॉडी है वो, सॉरी सेल बॉडी क्या, प्लांट बॉडी जो है वो खड़ी रहती है, सही। सो यानी एक किस्म की ये अगर हम इसके फंक्शन को डिस्कस करें तो ये प्लांट स्पोर्ट में रोल प्ले कर रहा है, इट प्लांट स्पोर्ट। इसके अलावा स्टोरेज है इसके अंदर, के स्टोरेज ऑफ सॉल्ट्स है, एक्स्ट्रा वाटर है H2O, सही। इसके अलावा आयन इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, वेस्ट भी समटाइम्स इसके अंदर स्टोर हो जाता है, सो स्टोरेज में भी रोल प्ले कर रहा है, टर्गर में रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा वैक्यूल पर क्या काम हो सकता है, क्या हो सकता है, सेल शेप को भी मेंटेन करता है ये, सही। इसके अलावा कुछ वैक्यूल्स लाइक अगर फूड वैक्यूल्स, अगर हम फूड वैक्यूल्स की बात करें, फूड वैक्यूल्स का हम पीछे बात कर चुके हैं कि लाइक जो छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, यानी ये सेल है इसमें फूड आती है, सो इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, सो इसकी जो मेम्ब्रेन है ये इनवेजिनेट होगी लाइक दिस, तो ये फूड इधर आएगा बीच में ये न्यूक्लियस, और उसके बाद ये जो एफ है ये वैक्यूल की शक्ल बना के इसके सेल का हिस्सा बन जाएगा, सही। सो दिस इज द फैड फूड वैक्यूल, यानी बाहर से फूड आई है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर वाली वो इन्वेजिनेट हुई है और बीच में फूड वैक्यूल। उसके बाद ये फूड स्टोर होती है, डाइजेस्ट होती है, वो नेक्स्ट डिपेंड करता है बॉडी की कंडीशन क्या है, यानी अगर बॉडी के पास एक्सेस फूड है तो इसे स्टोर कर लेगी, अगर वो बॉडी को जरूरत है तो उसको डाइजेस्ट कर लेगी। सो फूड वैक्यूल स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, और ये स्टोरेज इंट्रा सेलुलर होगी, सेल के अंदर जो स्टोर हो रही है फूड, सो ये इंट्रा सेलुलर स्टोरेज ऑफ फूड के अंदर यूज होते हैं, ठीक। इस तरह और भी वैक्यूल्स होते हैं लाइक लिपिड वैक्यूल्स होते हैं, बाद इसके अंदर लिपिड स्टोर होती है, लिपिड्स भी वैक्यूल्स की शक्ल में स्टोर होती है, फूड वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम्स वगैरह हो गए, ये भी वैक्यूल्स थे, सही। सो ये नहीं, ये सारा हो गया वैक्यूल्स के मुताबिक के बारे में। अब हम आगे चलते हैं प्लास्टिड्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो लाइक वैक्यूल्स, ठीक है, प्लास्टिड्स बल्कि कह लें कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में पाए जाएंगे, ठीक है, प्लास्टिड विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द प्लांट। सो पहले जरा हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लें। आपने कभी पौधे देखे हैं, देखे होंगे, जाहिर बात है आप देखते हो, बाहर होते हैं, सो जब भी देखेंगे आप यू फाइंड द लीव्स ग्रीन, वाई ग्रीन क्यों होते हैं वो, कोई रीजन मालूम है इसकी। चले इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछते हैं जी, आपने फूल देखे होंगे, ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ जी यहाँ पे गुलाब का एक फूल लगा हुआ है, सही, और इट लुक्स लाइक रेड, वाई रेड, सही, यानी ये फ्लावर है, फ्लावर रेड है और ये लीव है, लीव ये आपको ग्रीन नजर आएंगे, क्यों। बेसिकली प्लांट बॉडी के अंदर
कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कलरफुल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो इनको कलर देती हैं, सही। अब मसलन जो इसके अंदर है इसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। आप कहेंगे जी के पेटल्स आर रेड बिकॉज दे हैव क्रोमोप्लास्ट, वाइल कोई पूछे ग्रीन क्यों है लीव्स, तो आप कहेंगे इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, सही। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है, क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर्स होते हैं। मसलन अगर गुलाब का फूल है तो वो रेड होगा, इस तरह बास ट्यूलिप के फूल होते हैं वो येलो आपको नजर आएंगे। इस तरह मुख्तलिफ फ्लावर्स के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, क्यों कि दे हैव एंड क्रोमोप्लास्ट इन देम, सही। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे, चलें इसकी एक और डायग्राम देख लेते हैं नीचे आके। सो हेयर इट इज, सो ये रेड रेड आपको नजर आ रहा है, सो ये क्या कहलाएगा, ए इज क्रोमोप्लास्ट, बी जो सा है सी, सॉरी सी आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, क्लोरो प्लास्ट। अच्छा ये बीच में बी क्या है, ठीक है, ये आपको सर्कुलर सा नजर आ रहा है, बाद जगह ये ट्रायंगुलर भी होता है, ठीक है, ट्रायंगल का भी बना होता है। सो ये क्या है, ये लीकोप्लास्ट है, ये भी प्लास्टिड की एक टाइप है, बट इट इज नॉट अ कलरफुल टाइप, ठीक है, यानी इसका कलर नहीं होता, लीकोप्लास्ट डोंट हैव कलर, सही। सो क्रोमोप्लास्ट कलरिंग है, क्लोरोप्लास्ट भी कलरिंग है, लीकोप्लास्ट अलबत्ता कलर नहीं देता, सही। ओके, आज के दिन हम सिर्फ क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। सो हमने कहा था कि फ्लावर्स आर रेड, व्हाई दे हैव कलर, कोई क्वेश्चन पूछे कि जी फ्लावर्स के पास कलर्स हैं तो व्हाई दे हैव कलर, सो क्या आंसर होगा इसका, वेरी सिंपल, इसका जो आंसर है वेरी सिंपल, दैट दे हैव कलर फॉर पोलिनेशन, सही। वो किस लिए कलर रखते हैं, फॉर पोलिनेशन, क्यों के हाउ दिस हैपन्स, पोलिनेशन के आपको पता होना चाहिए पहले से कि पोलिनेशन होता है क्या, ये ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओवरी, या कह लें जो सॉरी फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, यानी जो पोलन ग्रेन है वो स्टेमन से या एंथर से गिरते हैं और स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं, सो पोलिनेशन होती है इसका, सही। सो पोलिनेशन के लिए कलर का होना क्यों जरूरी है, वाई, ये भी बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। सो इसका वेरी सिंपल, कलर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, सो यानी थ्री कलर्स के अंदर मैंने आपको सिंपल सा आंसर समझाया कि जो कलर्स हैं ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक, यानी जो इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइंग बीज हो गई या फिर हनी बीज हो गई, स्पेशली हनी बीज की बात करते हैं जो कि वहां से नेक्टर भी इकट्ठा करते हैं, मसलन यहाँ पे ये हनी बीज कौन सा है, ये नेक्टर इकट्ठा करने आई है, सो नेक्टर की लोकेशन वो किस तरह चलेगा, कलर से। सो नेक्टर्स कहाँ पे होंगे, फ्लावर्स में, और फ्लावर्स किस तरह की पहचान किस तरह होगी, कह लेंगे जी उनके कलर से। सो हनी बीज नेक्टर इकट्ठा करने आई है, क्या देख के, फ्लावर्स का कलर देख के, और जब ये फ्लावर्स पे आके बैठती है, यानी फूलों पे आके जब बैठेगी, तो इसके साथ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पोलन ग्रेन्स, यानी यहाँ पे मैं सिंपल सेंटेंस लिखूंगा, पोलन ग्रेन्स जो कि पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, पोलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, दे अटैच विद इंसेक्ट, ठीक है, इसकी टांगों के साथ, या फिर कहीं पे भी, इसकी मोस्टली इसकी टांगों के साथ या इसकी टेल के साथ, इसके साथ परों के साथ, इसके या इवन इसकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी अटैच हो सकते हैं। सो यानी वो अटैच पोलन ग्रेन्स उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक, और उसके बाद जो फ्लावर टू फ्लावर मूव करेगी तो इसके साथ पोलिनेशन होगी, यानी जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होंगे। सो यानी लास्ट में हम क्या कहेंगे, जो कलर्स है इन्होंने इन हनी बीज को अट्रैक्ट किया है, सही, और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया, इनके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, सो पोलिनेशन हो रही है। सो जो क्रोमोप्लास्ट है वो किस में हेल्प कर रहे हैं, पोलिनेशन के अंदर। क्लोरोप्लास्ट आगे फोटोसिंथेसिस होगी, इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्या होती है, किस तरह होती है। इसके अलावा एक और इसके अंदर कह लें कि एक मौजूद होता है, वो यहाँ के रूट्स के सेल्स के अंदर मौजूद होता है, सही। अब जो रूट्स है ना ये मोस्टली कलरलेस होती हैं, ठीक है, रूट्स आर कलरलेस, सही। सो जो रूट्स है उनके अंदर ये मौजूद होता है जिसे हम लीकोप्लास्ट कहते हैं, इट इज नोन एज कलरलेस, रूट्स के अंदर क्या होगा, लीकोप्लास्ट,
इधर सात रूट्स भी ले लेता हूँ. यानी फ्लावर्स के अंदर क्रोमोप्लास्ट हो गया, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट हो गया, और रूट्स जो कि कलरलेस हैं उसके अंदर लीकोप्लास्ट हो गया. और आपको पता है कुछ कुछ सब्जियां या कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके फल जो है वो जेर जमीन लगते हैं. कोई एग्जाम्पल इसकी पता हो आपको? मसलन शलजम हो गया, टर्निप, ठीक है, इसके अलावा आपके पोटैटोज, सही, ये ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं, तो उसके अंदर लीकोप्लास्ट की ज्यादा तादाद होती है. ये क्या करते हैं, टर्निप और पोटैटोज वगैरह क्या करते हैं वाला? दे स्टोर फूड, यानी उसके अंदर फूड स्टोर होती है. यानी जो फूड ऊपर से बन के आती है वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है? नीचे रूट्स के अंदर, ठीक है. और रूट्स के अंदर क्या खास ऑर्गेनिज्म होंगे? लीकोप्लास्ट के नाम से. लीकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द स्टोरिंग ऑफ द फूड, एक्स्ट्रा फूड जो फोटोसिंथेसिस के बाद बचकर आएगी. यानी हमने दो के आज डिटेल्स पढ़ी. मतलब एक क्रोमोप्लास्ट है जो कि कहाँ पे पाया जाता है? पेटल्स में, ठीक है. दे हेल्प इन पोलिनेशन. हाउ दे हेल्प इन पोलिनेशन? दे अट्रैक्ट द हनी बीज, स्पेशली हनी बीज या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, जिसके साथ ये अटैच हो जाती हैं और फिर ये आगे फ्लावर टू फ्लावर ट्रैवल करती हैं और इस तरह उनकी पोलिनेशन होती है, ठीक है. कुछ इसमें ऐसे लीकोप्लास्ट हैं यानी जिसका कह लें कि कोई कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस, और मोस्टली जो आप फूड स्टोर होगी वहां पे ये प्रेजेंट होंगे, सही. और इनकी शेप जो सी है मोस्टली कह लें कि सर्कुलर होती है, जिस तरह आपको यहाँ नजर आ रहा है. तो इसके अंदर बड़े बड़े स्टोर हुए होते हैं, ग्लाइकोजन मोस्टली स्टोर होती है इसके अंदर, सही. क्लोरोप्लास्ट जो से ग्रीन कलर में होते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर और इसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे, सही. ये तो थे हमारे प्लास्ट्स जिसके अंदर हमने क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट के बारे में बात की. इससे पहले हमने वैक्यूल के बारे में स्टडी किया था. वैक्यूल हमने कहा था कि जी हमारे पास एक प्लांट बॉडी है, तो प्लांट बॉडी किस तरह, यानी कोई छोटा सा पौधा है तो वो पौधा किस तरह खड़ा रहता है, आप उसे तोड़ के देख लें बेशक उसके अंदर कोई हड्डी नहीं नजर आएगी, सही. तो उसे खड़ा रखने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? टर्गर चाहिए होता है, ठीक. तो वो टर्गर या वो मजबूती किस तरह आती है? उसके प्लांट वैक्यूल उसे प्रोवाइड करता है, ठीक. इस तरह मैंने यहाँ पे सेल्स की लाइन्स बताई थी कि ये फॉर एग्जाम्पल सेल लाइन्स है, तो इसके अंदर ये वैक्यूल्स हैं, ये. सो दीज वैक्यूल्स गेन वाटर, दे एक्सपेंड, यानी वाटर हासिल करने के बाद वो फैलेंगे, फैलने के बाद वो सेल को सख्त कर देंगे, मजीद मजबूत कर देंगे. कोई क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि सर अगर हम प्लांट सेल्स को पानी दे रहे हैं वो फैलेंगे तो वो फट नहीं जाएंगे? सो बेसिकली हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल्स के बाहर क्या होती है? एक सेल वॉल होती है जो कि बहुत मजबूत होती है, ठीक है, वो उनको रैप्चर होने से बचाती है, सही. अंदर जितना मर्जी प्रेशर डेवलप हो जाए लेकिन वो सेल वॉल उन्हें एक फटने से बचाएगी, बहुत सख्त होती है, सही. तो इस वजह से क्या होता है, वैक्यूल अंदर एक्सपेंड करता है, सेल साइज बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल प्लांट की बॉडी को नुकसान नहीं होता, बल्कि वो सीधा खड़ा हो जाता है, टर्गर उसके अंदर डेवलप हो जाता है, सही. तो इससे टर्गर को अगर हम सिंपली लफ्ज में कहें तो जस्ट पुशिंग ऑफ वैक्यूल. फिर हमने कहा चलें जी हमने थोड़ा बहुत टर्गर पढ़ लिया, पहले भी पढ़ा था, अब वैक्यूल होता किस किस्म का है? ये वैक्यूल आपको नजर आ रहा है कि एक बड़ा सा कहने के ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर मौजूद है, वैक्यूल, और इसकी मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट है, और इसके साइड पे न्यूक्लियस है, और आपको इस बीच में रफ एंडोप्लास्ट रेटिकुलम नजर आ रही है, गोल्जी बॉडीज हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सब आपको ऑर्गेनेल्स नजर आ रही है, सही. फिर हमने इसकी फिजिकल एग्जांपल ली, मतलब हमारे सामने एक प्लांट था, ठीक है, जिसे हमने पानी नहीं दिया, ठीक है, यानी इसमें पानी नहीं दिया, यहाँ पे हमने पानी डाला, यानी पानी डाला, यानी ये मैं साथ बना देता हूँ बर्तन जिससे आप पानी डालते हैं, सही, यू आर गिविंग इट वाटर. वाटर क्या होगा, इसकी प्लांट बॉडी के अंदर इंटर होगा, प्लांट बॉडी के बाद इंटर होने के बाद ये वैक्यूल के अंदर इंटर होगा, वैक्यूल जो सब एक्सपेंड करेगा, फिर पत्ते खुद ब खुद खड़े हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाता है. फिर कुछ वैक्यूल्स ऐसे थे जिसके अंदर चीजें स्टोर होती हैं, लाइक फूड वैक्यूल, इसमें फूड स्टोर होगा, सही, स्टोरेज होगी, मतलब फूड वैक्यूल बनता है किस तरह, भी बात की थी हमने कि फूड बाहर से आती है तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी, और ये किस्म की इंडोसाइटोसिस होती है इसे, ठीक है, इसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं. और अच्छा, इसके अलावा लिपिड वैक्यूल, इसके अंदर लिपिड स्टोर होते हैं, लिपिड स्टोरेज होगी यहाँ पे, ये भी वैक्यूल्स होते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट आज के लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, एक तो वैक्यूल्स, और साथ में हमने प्लास्टिड्स पढ़े जिसके अंदर दो किस्में पढ़ी थी, एक क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट, और फिर हमने बात की कि क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं एंड लीकोप्लास्ट स्टोरेज सेल्स के पास होते हैं. थैंक यू. अगले लेक्चर में हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे.